10. So I'll start today Kabir Das from your book, from poetry side. Okay, Kabir Das ji. Kabir shabd ka arth hai bada shreshth mahan, matlab Kabir ka matlab hai bahut mahan ya shreshth best jise kehte hai na wo. Sant Kabir Das sachmuch ek bade bhakt shreshth kavi aur mahan samaj sudharak the. Kabir Das ji the wo bahut ek devoted person the, श्रेष्ठ कवि जिसे कहेंगे महान बेस्ट कवि थे, पोएट थे और महान समाज सुधारक यानी समाज को सुधारने वाले ठीक है कवि थे. आप सच्चे अर्थ में एक ऐसे क्रांतिकारी लोक कवि थे, वो सच्चे अगर सच्चे में देखा जाए तो वो एक रिवोल्यूशनरी एक लोक कवि यानी कि लोगों के बीच रहने वाले एक पोएट थे जिन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता की भाषा में मुख्य रूप से जनता की भलाई के लिए काव्य रचना करी. जिन्होंने कबीर दास जी ने जनता के यानी कि लोगों के बीच में रहकर लोगों की ही भाषा मुख्य रूप से जो जनता की भलाई करते थे उनके बीच में रहकर काव्य की रचना करते थे. उनको पैसे तो पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उनकी रचना यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि जो उनके शिष्य थे जब वो बोला करते थे उन शिष्यों ने उनको लिखित रूप दिया था ठीक है. तो उनकी रचनाएं तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और उनकी प्रासंगिकता आगे भी बनी रहेगी. प्रासंगिकता का मतलब है रिलेवेंट, उनका पहले जो जितनी भी रचनाएं थी पहले भी रिलेवेंट थी, आज भी है और आगे भी चलकर बनी रहेगी. हिंदी की निगुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी कवियों में महात्मा कबीर दास जी सबसे अधिक प्रतिभाशाली कवि हैं. अगर हम हिंदी में हिंदी के इसमें आए लिटरेचर में तो उसमें अगर हम देखेंगे तो कबीर दास जी निगुण भक्ति यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई शेप ना हो, जिसको हम जो शेप बना के पूछते हैं ऐसे नहीं, जिसका कोई आकार नहीं हो उस धारा की उस ज्ञान मार्गी कवियों में कबीर दास जी जो थे सबसे प्रतिभाशाली यानी कि ब्रिलियंट पोएट थे. आप गोस्वामी तुलसीदास की तरह ही लोकनायक एवं लोकप्रिय थे. तुलसीदास जी जैसे लोगों के बीच में एक हीरो थे और फेमस थे, उसी तरीके से कबीर दास जी भी लोगों के बीच में एक हीरो थे और फेमस थे. आपके जीवन से संबंधित अनेकों अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं यानी कि उनके जीवन उनकी लाइफ के बारे में लोगों के बीच जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से फेमस है. कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ बुक में दिया हुआ है आपके जन्म मृत्यु माता पिता पुत्र परिवार आदि के संबंध में पर्याप्त मतभेद है उनके बारे में. कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में आपका आविर्भाव हुआ था, काशी में उनका जन्म हुआ तथा सन 1518 यानी 1518 में मगर में वे स्वर्ग सितारे थे. अब ये जन्म और मृत्यु का भी एक यहाँ पर स्टोरी है. यहाँ पे देखा जाए तो बोलते हैं ना उनका काशी में जन्म हुआ था. काशी यानी कि अगर हम देखें तो हिंदू रिलीजन के विश्वास से काशी एक पवित्र स्थान है, एक तीर्थ स्थल है. तो जो लोग काशी में जन्म लेते हैं या काशी में मरते हैं वो डायरेक्ट स्वर्ग सितारते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म. ओके, उसमें क्या होता है लोग सोचते हैं कि अगर काशी में यानी बनारस, आजकल के जमाने में काशी को बनारस कहा जाता है, तो बनारस में अगर हमारी मृत्यु होती है तो हम डायरेक्ट क्या होते हैं स्वर्गवास सिधारेंगे यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे. और अगर मगर जहां उनकी मृत्यु लिखी है मगर, हिंदू का विश्वास है कि अगर मगर में मृत्यु होती है तो हम नरक में जाएंगे ना. तो ये चीज ये जनता की गलतफहमी दूर करने के लिए कबीर दास जी ने क्या किया, अपने अंत दिनों में वो मगर चले गए थे और वहीं पर वो स्वर्ग सिधारे थे. जनश्रुति के अनुसार स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त हुआ. जनश्रुति यानी लोगों के अकॉर्डिंग स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विडो ब्राह्मणी ठीक है, विडो ब्राह्मणी को एक दिव्य यानी कि डिवाइन सन पैदा हुआ. अब ब्राह्मणी विडो आज के समाज हम लोग का समाज इंडियन समाज अगर कोई विडो का अगर कोई पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है तो उसे क्या एक कलंक नहीं समझा जाता है ना, उसे एक खराब नजर से देखा जाता है. तो उस समय उस ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ जिसकी वजह से उसने लोगों के लाज से शर्म से उसने क्या किया, काशी के पास एक पॉन्ड था तालाब था जिसका नाम था लहर थारा, वहां पर जाके उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया. उधर से गुजरे नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाए दंपति ने उसे दिव्य शिशु को उठा लिया. उसी तालाब के किनारे से एक कपल यानी कि एक जोड़ा मुसलमान जोड़ा गुजर रहा था जिसका नाम था नीरू और नीमा. उन्होंने जब उस बच्चे को देखा तालाब के पास तो उन्होंने उसको उठा लिया.
और कबीर नाम देकर उसका पालन पोषण किया, उसका पालन पोषण किया, उसको बाद में जाके क्या नाम दिया, कबीर। बड़े होकर कबीर ने अपने पालक पिता माता नीरुनिमा की तरह ही जुलहे का काम को अपनाया, जुलहा यानी कि वीवर। ओके, तो जब वो बड़े हुए तो ऑब्वियसली जो उनके माता पिता का काम था उन्होंने भी वही उसी काम को अपनाया। वो वीविंग करते थे और रंगना बुनना कलर देना सब कुछ जो था वो लोग करते थे, उसी के अकॉर्डिंग कबीरदास जी भी वही काम किया करते थे। जनश्रुति के अनुसार कबीरदास का विवाह बनखंडी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ। अब ये भी लोगों के अनुसार कबीरदास जी का विवाह एक बैरागी पालिता, वो भी अडॉप्टेड गर्ल थी, उसको भी पाला गया था, उसके साथ उसकी वाइफ का नाम था लोई, उसके साथ उनका विवाह हुआ, जिनसे उन्हें कमाल और कमाली नामक की दो संतानें प्राप्त हुई। उनकी दो संतान हुई, एक पुत्र और पुत्री, जिनका नाम था कमाल और कमाली। संत कबीरदास ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। संत कबीरदास जी ने रामानंद से, यानी कि आजकल के जमाने में जिस तरीके से हम एजुकेशन शिक्षा हासिल करते हैं स्कूल में जाके और अपने घरों में, उसी तरीके से उस जमाने में दीक्षा ली जाती थी, यानी कि अपने धर्म के बारे में जानना और तंत्र मंत्र सीखना उस समय की दीक्षा मानी जाती थी। तो कबीरदास जी ने रामानंद स्वामी से दीक्षा ली थी। उनके आराध्य राम दशरथ के पुत्र नहीं अपितु संसार के रूप में विराजमान निर्गुण निराकार राम थे। अब उनके जो आराध्य, यानी वो किसकी आराधना करते थे, किसको वर्शिप करते थे, वो ऐसे दशरथ यानी कि फिजिकली जो प्रेजेंट होता है ना, जो आदमी का रूप लेकर इस संसार में आता है, यानी कि दशरथ के पुत्र राम, उसको नहीं बल्कि सारे संसार में रहने वाले जो प्राणी है उनके रोम रोम में, यानी कि हर खून के कतरे में विराजमान निगुण, जिसका कोई आकार शेप ना हो, उस भगवान की वो भक्ति करा करते थे। कर्मयोगी कपड़े कबीर ने कपड़े बुनने रंगने बेचने आदि काम करा करते थे। कबीरदास जी क्या करते थे, कपड़ा भी बुनते थे, रंगते थे और उसको बेचते भी थे। उसके साथ साथ वो आराध्य की भक्ति गीत गाते थे और उसके साथ जिनकी वो आराधना करते थे उसके साथ वो रिलीजियस अपना सॉन्ग भी गाया करते थे। लोगों से मिलते हुए उन्होंने तरह तरह के उपदेश दिए, और लोगों से जब वो मिला करते थे तो वो तरह तरह के उपदेश दिया करते थे। कालांतर में इन वाणियों को उनके शिष्यों ने लिखित रूप दिया और बाद में जाकर उनके जो शिष्य थे, यानी कि स्टूडेंट, जो उनके सेवक या दास थे, उन्होंने उनका लिखित रूप दिया, ठीक है, जो आगे चलकर बीजक के नाम से फेमस हुआ। उस बुक, जैसे अगर हम लोग अभी प्रेजेंट में देखें हैरी पॉटर देखते हैं ना, तो हैरी पॉटर के कितने सारे पार्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट 7 पार्ट्स हैं, उसी तरीके से कबीरदास जी का भी एक कलेक्शन है जिसका नाम है बीजक, और उस बीजक को 3 में डिवाइड किया गया जिसका नाम था साखी सबल और रमैनी, ठीक है। कबीर काव्य की भाषा को विद्वानों ने सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी आदि कहा है। कबीर का जो लिटरेचर था या पोएट्री थी, उन भाषा को विद्वानों ने क्या दिया, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया। पंचमेल खिचड़ी यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज का मिला होना, खिचड़ी हम लोग कहते हैं ना, कितनी सारी चीजों को मिलाकर बनाते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज भी उनकी बहुत सारी लैंग्वेज मिलकर उन्होंने अपनी पोएट्री में यूज किया था। वस्तुतः तो वो तत्कालीन हिंदुस्तान का रूप है, अभी तो वो हिंदुस्तान का ही रूप है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, इन सारे भाषाओं का मिक्सचर है उनकी पोएट्री में। कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कबीर की भाषा में सरलता और सरसता दोनों गुण मौजूद है। कबीर की अगर भाषा देखी जाए तो वो बहुत ही इजी है, समझने लायक है, समझ में आती है। वे सचमुच भाषा के जादूगर थे। संत कबीरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक भावांतर, जाति भेद, अस्पृश्यता, अहंकार आदि बुराइयों का विरोध किया है। कबीरदास जी जो थे उन्होंने अपने पोएट्री के थ्रू उन्होंने जो धार्मिक भावांतर, यानी कि धार्मिक का जो लोग मतलब ठोंग करते हैं, दिखावा करते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं अपने माला पहन लेते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, या एक चोगा पहन लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, साधु बन जाते हैं, योग विराग में चले जाते हैं ना, बहुत टाइप का जो दिखावा करते हैं, इन सब का उन्होंने क्या किया, विरोध किया है। और जाति भेद यानी कि हम लोग के देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऊंची जात नीची जात के बारे में बोलते हैं, अरे तुम छोटी जात के हो तो मेरे घर में नहीं आ सकते ना, मैं बड़ी जाति का हूँ, अपना एक जाति भेद दिखाते हैं, उस चीज का भी उन्होंने भेद किया। अस्पर्शता यानी कि छोटी और नीची जात अगर होती है तो वो लोग छोटी जात के लोगों को छूने से भी मना करते हैं।
तो इस चीज को भी उन्होंने विरोध किया था। अहंकार यानी कि प्राउड करना ना, घमंड करना, इन सब बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। साथ ही आपने आंतरिक पवित्रता, निर्मल ईश्वर भक्ति और सच्चे मानव प्रेम पर बल दिया है। उन्होंने क्या किया है, आंतरिक पवित्रता यानी हमारे मन की सच्चाई, मन की पवित्रता होनी चाहिए, निर्मल ईश्वर जिसमें कोई छल ना हो, जिसमें कोई कपट ना हो, ऐसी ईश्वर भक्ति, सिर्फ दिखावे की ईश्वर भक्ति नहीं, बल्कि हमारा मन, हमारी आत्मा जो परमात्मा से सचमुच मिलती हो, ऐसी भक्ति और सच्चे मानव प्रेम यानी कि एक दूसरे से मानव प्रेम रखना, एक दूसरे से हम लोग जो प्यार करते हैं, वो उस शक्ति पे उन्होंने बल दिया है। हमारे इस बुक में उन्होंने पद्म युग्म जो लेसन पोइट्री दी है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जो यहाँ पे प्रथम पद जो है वो ये है कि पोइट्री का, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुरी गरास में। यानी मोको का मतलब है मैं, मुझको, मुझको कहाँ ढूंढते हो बंदे, बंदे यानी कि सेवक, सेवक तो भगवान यहाँ पर कह रहा है, ईश्वर यहाँ पे कह रहा है कि हे सेवक तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ यानी कि मैं तो तेरे पास ही हूँ, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुरी गणास में। यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो बलि करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं ना बकरी और भेड़ी का, किससे करते हैं, छुरी से, दाव से, गणास से ना। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहा है मैं किसी बकरी में नहीं हूँ, ना मैं किसी भेड़ में हूँ, और ना मैं किसी छुरी में हूँ, ना मैं किसी गड़ास में हूँ, मैं किसी में नहीं हूँ, है ना, ना ही खाल में, ना ही पोंछ में, ना हड्डी मांस में, ठीक है, ये बोला ना मैं किसी के स्किन में हूँ, खाल में, ना किसी की टेल में हूँ, और ना मैं किसी के बोन में हूँ, और ना किसी के फ्लैश में हूँ, ना किसी के मैं किसी में नहीं हूँ। ईश्वर ने कहा ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, देवल यानी कि मंदिर, ना मैं किसी मंदिर में हूँ और ना कि मैं मस्जिद। उस जमाने में कबीरदास जी के जमाना जब था, उस समय हमारे देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान रहा करते थे, इस वजह से कबीरदास जी ने सिर्फ उन दो धर्मों के बारे में ही कहा है। तो उन्होंने यूं कहा कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश, ना मैं काबा में हूँ और ना मैं कैलाश में हूँ। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ये उनकी अपनी आस्था है। बट कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं किसी मंदिर में नहीं हूँ, और ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं किसी मुसलमान जो काबा में जाते हैं, ना मैं किसी काबा में हूँ, और ना मैं किसी कैलाश पर्वत में हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिल हो, पल भर की तलाश में, यानी कि अगर मुझे खोजना हो तो विद इन सेकेंड में तुम्हें मिल जाऊंगा। किसके, पल भर की, यानी कि विद इन सेकेंड की तलाश में तुम मुझे ढूंढोगे, सचमुच में अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं विद इन सेकेंड तुमको मिल जाऊंगा। मैं तो रहो शहर के बाद मेरी पूरी मवास में, मवास मतलब गढ़, किला, रहने की जगह, ओके। तो मैं तो शहर के बाहर, यानी कि मेरा कोई शहर नहीं है, मैं अपने किसका, हृदय रूपी, यानी आदमी का जो मन है, हृदय है, मैं उसके अंदर रहता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीर जी यहाँ कहते हैं मैं तो, भगवान यहाँ पे कह रहा है कि मैं ना किसी चीज में नहीं रहता, मैं तो रहता हूँ हर प्राणी की सांस में, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, हर सांसों की सांस में रहता हूँ ना। यहाँ पे ईश्वर जी ने, सॉरी कबीर जी ने, कबीर ईश्वर के थ्रू ये बोला है कि मैं कहाँ रहता हूँ, हर प्राणी की सांस में रहता हूँ मैं, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी बकरी, किसी छुरी या गणास, किसी न खाल न पूछ, किसी में भी नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ हर प्राणी की सांस के सांस में। सेकेंड पैराग्राफ है, संतो देखत जग बहराना। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं भाई संतो यानी कि सेवक, देखो ये जग तो पागल हो गया है, बौराना मतलब पागल हो चुका है ना, ये तो सब पागल हो चुका है। सच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, यानी कि अगर सच कहो तो सारा संसार मारने पे आ जाता है, ऐसे ही होता है। वैसे आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि अगर हम सच बोलते हैं तो हम लोग को सब मारने आ जाते हैं, लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं तो फौरन बिलीव कर लेते हैं, है ना, झूठे जगपतियाना, यानी कि अगर झूठ बोलते हैं तो सब उस पे विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मारी पाकर ने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। यानी नेमी यानी नियम करने वाले, नेमी यानी नियम करने वाले, धर्मी यानी कि धर्म मानने वाले, माने बहुत से लोग ऐसा देखे हैं बिल्कुल नियम से बंधे हुए हैं। सुबह उठना है, सुबह उठ के सबसे पहले नहाना है, उसके बाद पूजा करना है, पूजा करने के बाद क्या करना है,
जो भी हमारी बात की जितनी एक्टिविटीज है हम उसको अपना करना चाहते हैं। इस तरीके से लोग अपना धर्म को पालन करते हैं इस तरीके से। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं, मैंने देखा है नियम को मानने वाले लोग भी और धर्म को मानने वाले लोग भी, जो रोज सुबह स्नान करते हैं, आत्मा मारी पखने पूजे, आत्मा को मारकर आत्मा पत्थर को पूजते हैं, आत्मा को मारकर पत्थर को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, यानी कि उसमें से उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अपनी मन की आत्मा को जाने, जहां ईश्वर सचमुच में वास करता है, हम खुद अपने मन को पहचाने, जो हमें जानने की जरूरत है। बहुत तक देखा पीर औलिया पड़े की तरह पुराना, कै मुरीद तकदीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। मतलब कबीरदास जी कहते हैं बहुत से पीर देखे हैं, पीर यानी कि जो मुसलमान धर्म के जो पीर होते हैं ना, जो पढ़ाते हैं धर्म के बारे में, गुरु जो लोग होते हैं वो, और औलिया यानी कि शिष्य, जो शिष्य होते हैं जो उनकी बात सुनते हैं। तो बहुत से ऐसे गुरु और शिष्य देखे हैं हमने, जो किताब कुरान को पढ़ाते हैं, कुरान की जो बातें हैं उनको पढ़ाते हैं। क्या मुरी तकदीर बतावे उनमें हुए जो ज्ञाना, क्या उनको बताते हैं, जो खुद वो सीख रहे हैं वही अपने शिष्यों को बताते हैं, उसी चीज को वो लोग जानकर पढ़ते रहते हैं हर चीज, मतलब आगे तक वो एक से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से वो चलता रहता है। आसन मारी डिम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, गुरु लोग जो होते हैं आसन मार के बैठ जाते हैं, उनके अंदर इतना घमंड होता है कि हम सब कुछ जानते हैं धर्म के बारे में ना, और लोगों को भी वही शिक्षा देते हैं और सारे लोग उनके अंडर में रहते हैं, सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। पीपल पाथर पूजन लागे, यहाँ पे हिंदू के लिए भी कह रहे हैं कि पीपल को, पीपल का जो वृक्ष है, पेड़ है, उनको पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, तीर्थ के लिए चले जाते हैं ना। तो ये सब भूल कर अगर हम अपने मन को देखें, अपनी आत्मा को देखें, तो वही हमारा सच्चा गढ़ होता है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहरी दिखावा करते हैं, टोपी पहन लेते हैं, गले में माला पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना यानी कि जो चंदन का जो टीका लगाते हैं या बहुत टाइप के टीके लगा लेते हैं, साकी सब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना, ये सब लगा के सब कुछ भूल जाते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, उन्हें ये सब नहीं पता होता कि आत्मा क्या कहती है, आत्मा ही सब कुछ जानती है ना। हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, हिंदू कहता है मेरे लिए मेरे राम प्यारा है, तुर्क यानी कि मुसलमान, मुसलमान कहता है मुझे रहीम प्यारा है, मतलब दोनों अपने अपने को बोलते हैं, हिंदू बोलता है कि मुझे मेरा राम प्यारा है, मुसलमान कहता है कि मेरे लिए रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, यानी आपस में दोनों लड़ते हैं, मर न कहो जाना, यानी कि जो अंदर का जो मर्म है, जो हम लोग की दया भावना है, एक मानवता का जो प्यार है, वो सब भूल के हम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है, घर घर मंत्र देवत फिरे महिमा के अभियान है, अपने अपने घर धर्म के जो गुरु हैं वो घर घर जाकर क्या करते हैं, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, जैसा उनने सीखा है वही अपने लोगों को बताते हैं ना। और महिमा अभिमान है, यानी कि महिमा के अभिमान से भर जाते हैं कि सब कुछ वही जानते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, जो गुरु सीखता है वही अपने शिष्यों को भी सिखाता है। अंतकाल पछताना, अंतकाल में भी, अंतकाल में जाके जब वो लोग लास्ट स्टेज में जब पहुंच जाते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि आत्मा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। कहे कबीर सुनो हो संतो, माने कबीर जी यहाँ अपने संतों से कह रहे हैं, सेवक से कह रहे हैं, ये सब भर्म भुलाने के, जो तुम लोग का भर्म है ना, ये गुरु शिष्य का जो अभिमान है, जो भर्म तुम लोग ने पाल रखा है, इन सबको भूल जाओ। केतिक कहाँ कहाँ नहीं माने, केतिक यानी कि किसकी, मतलब यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, पवित्र मन की जाने वाली निर्मल भक्ति के बल पर, कितना ही जो तुम घमंड करते हो वो सारा क्या है, तुम्हारा चला जाएगा। अगर तुम पवित्र मन से की जाने वाली निर्मल भक्ति के बल पर अगर तुम सहजता पूर्वक अगर धर्म को अपनाओगे, तो क्या होगा, यहाँ पर आत्मा सहजे सहजे समाना, यानी आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट मिलन होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सच्चे मन से अपने घर में बैठकर अपना ईश्वर से बातें करेंगे या प्रार्थना करेंगे, तो हमारी आत्मा डायरेक्ट जाके परमात्मा से क्या होगा, उसका मिलन होगा। हमें ये सारे जितने ढोंग है, जितनी बहाम है, आडंबर है या दिखावा है, ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। हर मनुष्य अपने ही जगह पर बैठकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपनी आत्मा पे भरोसा होके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो
ईश्वर है हमारी सांसों में बसता है। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही, यहाँ पर लेसन खत्म हो गया है। ठीक है, थैंक यू। Stay home, stay safe, do it for yourself, do it for your family.